मुरादाबाद समाजवादी पार्टी युवजन सभा द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद के माध्यम से सरकार को भेजा गया। बता दें कि आज जिला कलेक्ट्रेट पर समाजवादी पार्टी युवजन सभा द्वारा भाजपा सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए भारी संख्या में सपाइयों ने विरोध प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी द्वारा बेहाल कानून व्यवस्था, किसानों की समस्या, महंगी शिक्षा व बेरोजगारी, दलित छात्रों के निःशुल्क प्रवेश पर रोक आदि मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान सपाइयों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां जाकर जमकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपना विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान कोविड-19 को लेकर बनी सरकार की गाइडलाइन का खुले तौर पर धज्जियां उड़ाई गयी। इन सब बातों के बीच भारी संख्या में पुलिस बल कलेक्ट्रेट पर मौजूद रहा। आज समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर एवं उत्तर प्रदेश के चारों फ्रंटलों के प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर हमारे नौजवान मुरादाबाद जनपद के महानगर के जिले के फ्रंटलों के चारों अध्यक्षों के नेतृत्व में यह आज कार्यक्रम करा गया है। इसमें हमारी मुख्य मांगे जो थी, बेहाल किसान, महंगी शिक्षा, बेरोजगारी, निजीकरण में भ्रष्टाचार एवं नष्ट रोजगार, आरक्षण पर बार, यूपी में बीएड प्रवेश परीक्षा में दलित छात्रों के निःशुल्क प्रवेश पर रोक और ये निजीकरण वाले तमाम मुद्दे समाजवादी पार्टी उठा रही है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश के अंदर इस भाजपा सरकार के खिलाफ जो इनके खराब मुद्दे हैं, गलत निर्णय हैं, उनको समाजवादी पार्टी उठा रही है। जनहित के जितने भी मुद्दे हैं समाजवादी पार्टी उठा रही है, चाहे किसानों की हो, नौजवानों की हो, बेरोजगारी की हो, व्यापारी की हो, सबकी जो आवाज़ उठा रही है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में उठा रही है। तो हम आज इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के नौजवान साथी, हमारे पेंडलों के चारों अध्यक्षों ने यूथ के महानगर और जिले के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम कराया और ज्ञापन डीएम साहब को दिया है, मांग पत्र दिया है। और इसी क्रम में हमारे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल जी और MLC सुनील साजन जी, उदयवीर सिंह जी, प्रतापगढ़ जो पूर्व सांसद हैं CN सिंह जी, उनको संवेदना व्यक्त करने उनके घर पर जा रहे हैं। तो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल जी को जगह जगह रास्ते में रोका जा रहा है, उनको उनके घर तक नहीं जाने दे रहे हैं। ऐसी उत्तर प्रदेश के हालात कर दिए इन्होंने, जैसे इमरजेंसी लगी हुई है, अघोषित इमरजेंसी है। अपनी बात नहीं रख सकते, अपने नेता के, पार्टी के, कार्यकर्ता के घर नहीं जा सकते, ऐसे हालात पैदा कर दिए। किसी के घर शोक संवेदना व्यक्त करने की भी ये जाने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी तानाशाह सरकार के खिलाफ एक ज्ञापन हमने आज समाजवादी पार्टी के नौजवान साथियों के माध्यम से, ये फ्रंटलों के अध्यक्षों के माध्यम से DM साहब के द्वारा राज्यपाल जी को दिया है, जिससे कि ये जो समाजवादी पार्टी निंदा करती है, कि समाजवादी पार्टी इनके खिलाफ सड़कों पर उतरने को तैयार है। अगर जनहित में कोई भी ये समाज अगर गलत काम करेंगे तो समाजवादी पार्टी के एक एक नौजवान साथी, एक एक कार्यकर्ता मुंह तोड़ जवाब देने